हेलो गाइस, सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बड़े नेता चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में आप सबको बता दूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर दोनों फिर एक बार आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ दौसा की राजनीति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। पूरे देश में तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं, लेकिन दौसा की राजनीति में कुछ और ही चल रहा है। यहाँ एक ही पार्टी के दो नेता एक दूसरे से जुबानी हमले कर रहे हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर मीणा के बारे में। किरोड़ीलाल और जसकौर मीणा के बीच वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही थी, जिसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने भी जसकौर मीणा को करारा जवाब दिया है। दरअसल जसकौर मीणा ने खुले मन से एक बार फिर बिना नाम लिए किरोड़ीलाल मीणा पर जमकर निशाना साधा है। जसकौर मीणा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तुलना सांपों से कर रही है। हाल ही में जसकौर मीणा ने कहा कि दौसा के सांपों को निकाल कर बाहर भगाना है। जसकौर ने कहा जो कांग्रेस के सांप बने हुए थे उन सांपों को दौसा लोकसभा क्षेत्र से बाहर भगाना है। इधर दौसा में किरोड़ी मीणा ने कहा कि सांसद जसकौर मीणा की नज़र में ही नाग हूँ। किरोड़ीलाल मीणा ने आगे कहा कि जसकौर अपने बयानों से खुद निपट रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उन्होंने कभी भी जसकौर के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। किरोड़ी ने आगे कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए, प्रतिपक्ष पर बयान देते समय मर्यादा भाषा का उपयोग करना चाहिए। वहीं जसकौर मीणा ने यह भी कहा कि जिस घर में सांप रहता हो उस घर में किसी भी सदस्य को नींद नहीं लेनी चाहिए। अब जसकौर मीणा बार बार जो सांप शब्द का प्रयोग कर रही हैं उसका किरोड़ीलाल मीणा से जोड़ा जा रहा है। अब यह भी माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर मीणा के बीच की लड़ाई दौसा लोकसभा सीट के टिकट को लेकर हुई है, क्योंकि दौसा लोकसभा सीट से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे थे और जसकौर मीणा भी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने दोनों की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए दौसा लोकसभा से कन्हैयालाल मीणा को टिकट दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।